हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है अगला दिन, हम निकलने वाले हैं मथुरा के लिए। यहाँ मिल गई लस्सी पीने को सुबह सुबह, ये भी पी रहा मैं भी, और पीछे भैया भी पी रहे हैं। जाने के लिए हो गए हैं गाइस एकदम रेडी। बाहर यहाँ पे जमी पड़ी है बहुत सारी ओस, जो कि हमें हटानी पड़ेगी। रात यहाँ पे जम गई होगी, जल्दी से ये क्लीन करते हैं। और आंटी लोग आने वाले हैं, पीछे बैठेंगे, वो सामान रख रहे हैं थोड़ा बहुत। गाड़ी कर ली हमने थोड़ी सी क्लीन, और बस आंटी का वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, और उसके बाद चलेंगे। एक हमारा रिश्तेदार यहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा देखो, इसको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से, ये आया घूमने तो घूमने ही आया बस। आगे का रोड ही ना दिख रहा बिल्कुल भी, है ना। इतनी भयंकर गर्मी है। अरे ना प्रसाद है तो खा लेते, ये पर्सनल गाड़ी भी रहो रात लियो। और भाई साहब यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है। कभी मेरे कपड़े इधर जा रहे हैं, कभी मेरे कपड़े उधर जा रहे हैं, ये गर्मी की वजह से ना पहनने में नहीं आ रहे। भाई साहब पहले तो हम चले गए घूम घाम कर निधिवन के रास्ते पे, लेकिन फाइनली एक अंकल जी से पूछ के अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के रास्ते पर। और पीछे कुछ लोग आ रहे हैं मेरे, और आगे देखो कितनी भीड़ हो रही है भाई, भीड़ इतनी हो रही है ना भाई। मैं तो कहूँगा संडे को बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल भी, क्योंकि संडे को जाने में तो भाई कोई फ़ायदा है ना। हम जाओ खाली कौन से दिन को, बस तुम जाओ खाली भाई एक ही दिन में, देखो भाई कितनी भीड़ है। बस संडे को मत जाओ भाई, कुछ भी करो संडे को मत ही जाओ, बाकी दिन कोई भी दिन चले जाओ, सैटरडे संडे भाई छोड़ दो भाई। बड़ी मुश्किल से हमारा ही नंबर आया, कोई भरोसा ना है यहाँ का। ये बांके बिहारी वाली गली है, राधा और रचना 5 नंबर गेट पर पहुंचे। सौरभ कहाँ, सौरभ तो पीछे रहेगा, बोला ना सौरभ पीछे वो रहेगा। भाई जब तक मंदिर में घुस रहे हैं तब तक तो ऐसा लग रहा है कि बस एक बार पहुंच जाए, एक बार पहुंच जाए। और मंदिर में आने के बाद भाई हाल बेहाल है, और भाई पैर रखने की जगह ना बिल्कुल भी, नीचे देखो मतलब काम ही खराब है सारा। इतनी सारी भीड़ भाई, मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा कि संडे को मत जाओ भाई, यहाँ के गार्ड भी परेशान है, इतने सारे मंदिर में लोग देखते हैं। और मैंने पसीना जो बहाया, कम से कम मुझे दर्शन तो मिल ही गए भाई। फिर भी लोग और बच्चे ने तो लेके मत आओ बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि भाई हमें पता ही है कैसा होगा सीन। पर भाई फिर भी लाने हैं तो भाई मंडे को और ट्यूसडे को कभी भी ले आओ। गाइस मैंने दर्शन कर लिया है यहाँ पे, और दर्शन करने के बाद अभी हालत कुछ ऐसी है बेकार एकदम, मुंह पर पसीने ही पसीने। अब हम जा रहे हैं निधिवन की साइड, और पीछे कुछ लोग आ रहे हैं राधे राधे करते हुए। भाई पीछे वाले राधे राधे तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में ना आ रही है ये भजन गा रहे गीत गा रहे या कर क्या रहे हैं। तो मैं बस कैमरा उठा के ऐसे ही चल रहा है इनकी ओर की देख रहे भाई। वो सामने बस निधिवन आने वाला है, और मैं तो जा रहा हूँ निधिवन देखने बस।